नमस्कार दोस्तों, आज के यहाँ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आवेश के प्रकार तो टाइप्स ऑफ चार्ज के प्रकार, आवेश के प्रकार। तो आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो जो आवेश का क्लासिफिकेशन है या बात करें डिवाइडेशन है कि कितने भागों में बांटा गया, तो आवेश को दो भागों में बांटा था वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये वैज्ञानिक था जिसने आवेश को दो प्रकार में बांटा, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। तो ये हमारे चार्ज हो गए, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक हो गया नेगेटिव चार्ज। तो जो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन था, उसने क्या किया कि जो चार्ज है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। अब हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, अब बात करेंगे हम इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की। तो देखिए, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है, देखिए यदि हमारे पास कोई पदार्थ है, मीटर है या पदार्थ मान लीजिए, यदि किसी पदार्थ में इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिए, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की यदि कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, हमारे पास कोई पदार्थ है, यदि पदार्थ में यदि इलेक्ट्रॉन है उनकी कमी है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब नेगेटिव चार्ज की कमी, तो पॉजिटिव चार्ज की दिखता। तो वहाँ पर ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो कहलाते हैं धनावेश या पॉजिटिव चार्ज। दूसरा है इसके, आप देखिए इसके बाद है नेगेटिव चार्ज या ऋणावेश क्या, देखिए यह नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है कि पदार्थ है हमारे पास, यदि किसी हमारे पास कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, वहाँ पर तो कमी थी लेकिन यहाँ पर अधिकता, वही कहलाती है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए नेगेटिव चार्ज क्या है, हमारे पास कोई पदार्थ है, यदि पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अधिकता मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पर यदि नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पर जो पदार्थ होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से जो चार्ज है वो कहलाता है नेगेटिव चार्ज, पर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता नेगेटिव चार्ज कहलाता है। अब देखिए इनके, आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या है, तो देखिए इनके एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। देखिए एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, फर्स्ट जो हमारा पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल है वुलन क्लॉथ। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, वो है ग्लास। उसके बाद ग्लास, उसके बाद ड्राई हेयर, सूखे बाल, ड्राई हेयर, और उसके बाद जो हमारे कैट स्किन होते हैं, बिल्ली की खाल, कैट स्किन,
ये हमारे पॉजिटिव चार्ज के एग्जांपल हैं। अब बात करें हम नेगेटिव चार्ज के एग्जांपल की, तो जो अंबर अंबर, उसके बाद रबर रबर, सिल्क क्लॉथ सिल्क क्लॉथ, उसके बाद गंगा कुंभ, और लास्ट एग्जाम है हमारा आदमी। ये हमारे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के एग्जाम्पल हो गए। तो अब देखिए, जो हमारा आवेश है वो दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यदि किसा कोई पदार्थ है उसमें यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, और यदि इलेक्ट्रॉन की दिखता है तो वो नेगेटिव चार्ज कहलाता है। और उसके बाद हमने एग्जाम्पल देख लिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। अब देखिए, यदि आपको पॉजिटिव चार्ज जो ये है हमारा विद्युत आवेश है उसको उत्पन्न करना है, कि विद्युत आवेश को किस तरह हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो विधियाँ हैं। देखिए, विद्युत जो हमारा आवेश है, विद्युत आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ, किस तरह से हम विद्युत आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, जो हमारा विद्युत आवेश है हम इसको दो प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। फर्स्ट टाइप है घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा विद्युत आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। और जो सेकंड टाइप है वो हमारा है प्रेरण द्वारा, इंडक्शन, इंडक्शन द्वारा। तो जो हमारा विद्युत आवेश है वो दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब हम विद्युत आवेश को दो प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं, एक है घर्षण द्वारा फ्रिक्शन, और दूसरा है प्रेरण इंडक्शन। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो घर्षण है, घर्षण विद्युत किस तरह उत्पन्न किया जाता है। तो अगली वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, और इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो आपको लाइक अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपने दोस्तों को भी बताना, ताकि वो भी यहाँ से कुछ सीख सके। तो धन्यवाद आपका, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। धन्यवाद।